चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी देश से समाप्त नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार कोरोना को रोकने के प्रयास कर रही है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में किसी को रोजगार नहीं दिया, इसलिए युवाओं ने आंदोलन किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर कहा कि देश के भी कई हिस्सों में केस कम होने के बजाय फिर से बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि कोरोना का प्रकोप अभी देश से समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा हमारी सरकार कोरोना के खात्मे के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना पीड़ित के इलाज में कोई असुविधा नहीं होगी। होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है। सारंग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कुछ भी सिम्टम्स सामने आते हैं तो वह तुरंत चिकित्सक से सलाह लेकर जाँच कराएं। बेरोजगार युवा संघ के प्रदर्शन पर सारंग ने कहा कि प्रदर्शनकारी युवा ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सरकार की नकारा नीतियों के चलते कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 15 साल पहले ही देश के युवाओं को शासकीय और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने की योजना संचालित की थी, मगर कांग्रेस की 15 महीने वाली सरकार में कुछ नहीं हुआ। कोरोना लगातार पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और देश में भी बहुत सारे हिस्से में हमने देखा है कि केस कम आने के बाद फिर से पिछले हफ्ते से केस में बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात को परिचायक है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से इस समस्या के निदान में लगी है और हमने भी अब आगे की रणनीति के तहत हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में शहर और उस पूरे रीजन के हिसाब से विचार करके यदि बेड बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसका हमने विचार किया है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित है उसको इलाज में कोई कमी ना आए। होम आइसोलेशन को लेकर भी सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है, जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव तो आया है परंतु सिम्टम नहीं है। देखिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आप उन युवाओं से भी पूछेंगे तो वो प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार की नकारा नीतियों के खिलाफ ही कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तो जब शिवराज सिंह चौहान जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 13 साल तक हमारी सरकार ने रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की थी, सरकारी नौकरियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और युवा स्वयं का रोजगार कर सके उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अलग अलग तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की थी, पर 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। और ये जो बैकलॉग की स्थिति बनी है ये उसी समय की है। हमारी सरकार कटिबद्ध है, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के सौ अवसर उपलब्ध कराएंगे। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में पहली प्रायोरिटी, पहली जो वरीयता है वो मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।